हेलो गाइज़, वेलकम टू ETP नॉलेज जंक्शन। मैं हूं संजीत और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट अ जॉब एप्लीकेशन ईमेल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट अ जॉब एप्लीकेशन ईमेल, यानी कि एक प्रोफेशनल तरीके से हम किसी जॉब को पाने के लिए एक फॉर्मल जो ईमेल लिखने का तरीका होता है वो क्या है और एक कैसे एक अच्छे तरीके से हम ईमेल लिख सकते हैं जिससे कि हमें उस जॉब को पाने के लिए हमारी जो परसेंटेज है, संभावनाएं हैं, वो बढ़ जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है द गोल ऑफ एन ईमेल। एक ईमेल लिखने का मकसद क्या होना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज टू प्रूव दैट यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर द रोल, कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हो उस रोल के लिए जिसके लिए वो जॉब ओपनिंग आई हुई है। द नेक्स्ट वन इज You have good experience, talent and skill to value to their team, यानी कि आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आप अच्छे खासे टैलेंटेड हो और आपके पास वो सारी स्किल्स हैं ताकि आप अपनी टीम को आगे बढ़ा सकें और एक अच्छे तरीके से उसे लीड कर सकें। The next one is you have good communications and writing skills. आपके पास जब आप वो मेल लिखते हो तो आपके उस मेल से पता चलना चाहिए कि आप एक गुड कम्युनिकेटर हो और आपकी बहुत अच्छी राइटिंग स्किल्स हैं, क्योंकि आप किसी टीम को लीड करने वाले हो या आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छी हैं तो ही आप अपनी टीम को एक अच्छी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज यू आर रियली सीरियस अबाउट द जॉब। जब आप एक मेल लिखते हैं, कोई ईमेल लिखते हैं, ईमेल के थ्रू जब आप किसी रिक्रूटर को अप्रोच करते हैं तो उससे पता चलता है कि आप रियली सीरियस हो। जब किसी सोशल मीडिया साइट जैसे कि लिंक्डइन या फेसबुक पर कोई जॉब पोस्ट की जाती है तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कमेंट सेक्शन में वहां पर लिख देते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड। भाई देखो, आपके कमेंट सेक्शन में आई एम इंटरेस्टेड लिखने से वो रिक्रूटर जो है वो आपको अप्रोच करने वाला नहीं है, है ना। तो अगर आप ईमेल के थ्रू एक बहुत ही अच्छी अगर आप अच्छी ईमेल लिखते हो तो उसके थ्रू क्या होता है कि आपका एफर्ट दिखता है कि आप रियली सीरियस हो उस जॉब को पाने के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज What to include in a job application email? एक जॉब एप्लीकेशन ईमेल में हमें क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए। सबसे पहले जो ईमेल है उससे आपको पता चलना चाहिए योर पर्पस फॉर राइटिंग द ईमेल, आप ईमेल क्यों लिख रहे हो। The next one is what role you are applying for, आप किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो। The next one is why you are interested in this role, आप इस रोल में क्यों इंटरेस्टेड हो। आपको वो आपके मेल से, आपके जो फॉर्मल लेटर जो आप लिख रहे हो ईमेल के थ्रू, उससे ये पता चलना चाहिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट मेक्स यू क्वालिफाइड फॉर दिस रोल, आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं कि आप उस रोल के लिए फिट हो। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट वैल्यूज यू कैन ऐड टू द कंपनी, आपकी मेल से ये पता चलना चाहिए कि आप इस प्रकार के क्वालिफिकेशंस आपके पास हैं, आप इतने क्वालिफाइड हो और आपके अंदर ये सारे के सारे टैलेंट स्किल्स हैं जिससे कि आप उस कंपनी में ये सब अपनी टीम में अपनी उस कंपनी में ये सब चीजें ऐड करके कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो। अब हम बात करेंगे हाउ टू राइट अ जॉब एप्लीकेशन ईमेल। एक जॉब एप्लीकेशन ईमेल कैसे लिखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट विद अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन, सबसे ऊपर आपका सब्जेक्ट लाइन क्लियर होनी चाहिए उस जॉब के बारे में। नेक्स्ट इज इंक्लूड अ फॉर्मल सैल्यूटेशंस, आपको उनको ग्रीटिंग्स देनी है, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे या फिर गुड मॉर्निंग सर मैम, या जैसे भी आप उनका हाल चाल पूछ सकते हैं, हाउ आर यू। एंड नेक्स्ट इज एक्सप्लेन योर पर्पस फॉर राइटिंग, आपको उस मेल में लिखना है कि आप क्यों मेल लिख रहे हो। प्रूव, नेक्स्ट वन इज प्रूव यू आर अ गुड फिट फॉर द रोल, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है आपको आप इस जॉब के लिए फिट क्यों हो, आपको इस बारे में लिखना है। एंड द लास्ट क्लोज योर वर्डिंग्स बाय थैंकिंग द हायरिंग मैनेजर, उनको थैंक यू लिखना है। अब एक हम टेम्पलेट देखेंगे जॉब एप्लीकेशन ईमेल का। तो सबसे पहले ग्रीटिंग्स, डियर सर मैडम I came to know that you are hiring for the, यहाँ पर जॉब टाइटल्स लिखना है उनको, on where you saw it, कहाँ पर आपने उस जॉब के बारे में देखा है या कैसे आपको उस जॉब के बारे में पता चला। नेक्स्ट, based on the job description you provided, I am really interested in this position. Upon review of my application, I hope that you can see why I would be a good fit for this job, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट योर वर्क एक्सपर्टीज, आपकी वर्क एक्सपर्टीज क्या है, इन अ स्पेसिफिक वे एक्सप्लेन हाउ इट डायरेक्टली रिलेट टू द जॉब रोल द हायरिंग मैनेजर लुकिंग फॉर। माई रिज्यूम इज अटैच टू द ईमेल, थैंक्स फॉर टेकिंग द टाइम टू लुक थ्रू माई एप्लीकेशन If you have any queries about the information I included, please reach out. I look forward to hearing from you. है ना, उसके बाद सिंसियरली योर नेम एंड योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये एक टेम्पलेट है। आगे मैं आपको एक अपना जो मेरा पर्सनल है जिसे कि मैं रेगुलरली यूज करता हूँ, यानी कि इसके अलावा मेरा और कोई नहीं है, बस मैं इसको कॉपी पेस्ट करके इसमें एडिटिंग कर देता हूँ थोड़ी सी, और यही मैं मोस्टली जो ईमेल फॉर्मेट है, जो ईमेल है, इसे यूज करता हूँ। तो सबसे पहले ग्रीटिंग्स डियर सर मैम, आई होप यू आर वेल। आई नोटिस दैट यू आर रिक्रूटिंग EHS प्रोफेशनल्स, है ना। तो प्रोफेशनल मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, ऑफिसर, किसी भी चीज के बारे में लिख सकता है। मैंने जस्ट प्रोफेशनल लिखा हुआ है। आगे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ यहाँ पर, आई एम एग्जीक्यूटिव EHS विद 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। मैं अपनी डेजिग्नेशन के बारे में लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मुझे कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है और कहाँ पर किस इंडस्ट्री में मेरे को वर्क एक्सपीरियंस, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। विद API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशन एंड एयरोसोल इंडस्ट्रीज। यहाँ पर मैंने अपनी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिख दिया कि मुझे कहाँ कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है और मैंने किस किस इंडस्ट्री में काम किया है। आगे मैं लिख रहा हूँ माई की एक्सपीरियंस इंक्लूड्स, मैं अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिख रहा हूँ कि मैंने क्या क्या काम, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी रही हैं, जैसे कि ISO 14001:2015, ISO 45000:2018, process and fire safety, legal compliances, monitoring of wastewater treatment plant and its compliance। यहाँ पर मैंने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन लिख दिया है कि मुझे क्या क्या मैंने चीज़ें हैंडल करी हैं, जैसे कि ISO सिस्टम के बारे में, जो हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, और हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। फायर सेफ्टी के बारे में लिख दिया है, लीगल कंप्लायंसेस लिखा हुआ है, ये सेफ्टी से रिलेटेड लीगल कंप्लायंसेस मैं हैंडल करता हूँ। मॉनिटरिंग ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड इट्स कंप्लायंसेस, यानी कि मैंने अपना जो भी मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन है वो मैंने सारा यहाँ एक दो लाइन में सब लिख दिया है ना। अब मैं आगे के बारे में बात कर रहा हूँ कि आई कैन ऐड वैल्यू इन द फॉलोइंग रोल्स, कि मैं किस जॉब पोजीशन के लिए देख रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपकी जो मेल होती है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जो जॉब पोस्टिंग होती है, वहाँ पर ये नहीं लिखा रहता, या मल्टीपल जॉब ओपनिंग्स होती है, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, तो उसके बारे में इतना लिखा रहता है। तो आप अपनी मेल में लिख सकते हो कि भाई मैं एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो मेरे सेम डेजिग्नेशन है उस पर भी स्विच करने को तैयार हूँ, या उसके ऊपर भी स्विच करने को तैयार हूँ। तो जैसे मैंने लिखा है, आई कैन ऐड वैल्यू इन द फॉलोइंग रोल्स, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, EHS एंड अबव। आई हैव अटैच्ड माई CV एंड आई एम अवेलेबल टू डिस्कस पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज यू मे हैव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपने छोटे से 4-5 लाइनों में अपने एक फॉर्मल ईमेल लिख दिया है। थैंक्स एंड रिगार्ड्स करके मैंने अपना नाम और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वगैरह आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ में मैंने अटैच कर दिया अपना CV। तो इस प्रकार की मेल लिखने से चांसेस बढ़ जाते हैं, 80 to 90 या 100% तक चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो रिक्रूटर है वो आपको अप्रोच जरूर करेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।